हम रफांडा पहुंच गए हैं। मैंने और चंद्र ने अपनी गाड़ी कुछ इस तरह लगा दी है 1 किलोमीटर पीछे कि हमें गाड़ी निकालते समय आसानी हो। मोड़ पर लगाई है, वो पॉइंट है जहां से हम कमरूनाग के लिए कच्चे रास्ते पर चलना शुरू हुए हैं। अभी पूरे 7 बजे हैं, 7:01 हुआ है और हम यहाँ से चढ़ना शुरू हो गए हैं। 7:01, ये वो पॉइंट है जहाँ सुंदरनगर और चहल चौक वाली दोनों सड़कें इकट्ठी होती हैं। रास्ता है जंगल का, बिल्कुल घास वाला, फिसलने का डर। 6 किलोमीटर का ट्रैक है रफांडा से कमरूनाग का। थकी लड़कियाँ हैं ना, रास्ता ऐसा है, लोग जा भी रहे हैं ऊपर और ऊपर से आ भी रहे हैं। चलना कितना कठिन है, परिश्रम लगता है। और चंद्र जो रिकॉर्ड कर रहा है उसकी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही है। ऐसे जाना होता है ऊपर, बहुत तेज भी नहीं और बहुत स्लो भी नहीं। सांस फूलने लगे तो रुक जाओ। ब्लू टी शर्ट और ट्राउजर्स में मैं हूँ, मेरे पीछे चंद्र के वाइफ हैं और उनके पीछे उनकी दोनों भतीजियाँ हैं, संध्या और कमलेश। I am really thankful to Chandar for joining me to my journey to Kamrunag. He and his family has been very supportive to me during my journey. That is a big stone like Shivpindi, and someone has also applied haldi like substance to it. बहुत ही बढ़िया जर्नी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अब काफ़ी नज़दीक हैं कमरूनाग के और ये चौड़ा सा रास्ता जो पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, ये दर्शा रहा है कि कमरूनाग मंदिर से हम काफ़ी नज़दीक हैं। I don't know.
हर कोई इसी प्रतीक्षा में है कि कब वो मंदिर पहुँचें और देवता के दर्शन करें, उस स्थान को भी निहारें जिसके बारे में बहुत कुछ सुना है, झील को देखें जो बड़ी सुंदर बताई जाती है, और देवदार के वृक्ष ऊंचे ऊंचे जिनका सौंदर्य अपने आप में अद्वितीय है उसको देखें। बहुत सारे श्रद्धा से जाते हैं कमरुनाग, और बहुत सारे जाते हैं ट्रैकिंग के लिए। प्रकृति के सामीप्य को देखने के लिए श्रद्धा और प्रकृति दोनों का संगम है कमरुनाग। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, डिटर्मिनेशन आपको ले आया है कमरुनाग के नज़दीक। फाइनली वी रीच दैट कमरुनाग। इट टुक अस एग्जैक्टली 3 hours टू रीच कमरुनाग फ्रॉम रुहांडा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दोज हु व्यूड दिस वीडियो टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।